का कत्ल बैठे हो, कहां मुंह छुपाए अपना, आज उस पे पर्दा उठ जाएगा, यार बचोगे कितना, अब जुल्म है जितने रात और दिन के, लेंगे बदले सब गिन गिन के। आज प्रकाश सिंह बादल जी तो घर में बैठे हैं छुपके, और सुखबीर सिंह बादल जी सामने आने की जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि आज पंजाब नहीं पूरा विश्व का सिख और गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले लोग ये देख रहे हैं कि वो जिन्होंने ये गुरु साहब का कत्ल किया है वो कहाँ हैं। आज उन्हें उनमें अगर थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ी सी भी जुरत है, तो फिर मैं अकाली दल से ये कहना चाहता हूँ कि आप भागिए मत, गिद्दड़ की तरह मत भागिए। अगर सचमुच में आपने सचमुच में पंजाबियों का खून है तो आज सामना करिए पंजाब विधानसभा के अंदर उस रिपोर्ट का, उस सच का जो आज सामने दर्शाएगी, और सच का सच सामने आने वाला है। दरकर साहब, रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि गोली की वहां पर जरूरत नहीं थी, एक यार्ड के पास से गोली मारी गई, ब्रूटल बताया गया है, तत्कालीन सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार बताया गया। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये तो कत्ल हुए हैं, और ये जो कातिल हैं वो आज अपने आप को सामने लाने, कल मैं देख रहा था एक बात, और ये जो रिपोर्ट थी उस पन्नों पे, हर पन्ने पे 20-20 बार गुरु साहब का नाम, गुरु ग्रंथ साहब का नाम लिखा है, और किस तरह से उस रिपोर्ट को पैरों के तले ये रौंद रहे थे गुरु ग्रंथ साहब के नाम को। मैंने इतनी ही बात कहना चाहता हूँ, ये जितने भी कत्ल हुए हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहब का कत्ल हुआ है, चाहे गुरु के सिखों का कत्ल हुआ है, वो पर्दा अब रुक गया है, अब कातिल सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन सर, अकाली दल जो है वो उठा रहा है इस रिपोर्ट के ऊपर और कह रहा है कि प्रायोजित है, कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड है। देखिए, अब कोई कातिल कहेगा कि मैंने कत्ल नहीं किया, कोई चोर कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है और चोर मचाए शोर, देखिए गेट पे। पंजाब के लोगों की नज़र है आज पंजाब विधानसभा के ऊपर, पंजाब की जनता को, सिख समाज को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, और कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये वादा है पंजाब के लोगों के साथ कि कातिल कोई भी हो सामने आएगा और उन्हें सजा भी मिलेगी।